बिना माइक के सुनना पड़ेगा और बिना माइक के तभी सुना जा सके जब आप लोग पक्के हो जाओगे। आप चुप हो जाओगे तब तक आवाज जाओगी, प्रशासन तक भी, शासन तक भी, सब लोगों तक। आप बोलने लग जाओगे ठीक है। तो आपसे बस इतना निवेदन है कि आप साइलेंट हो जाओ और 5 मिनट की बहुत जरूरी बात है आपको बतानी है। कल रात का तो आपने सब कुछ देख लिया, कल क्या हुआ है। देखो हमारे यहाँ क्या है ना, जैसे दूसरे लोग अपनी अपनी सलाह है, अपने अपने सुझाव। लोग कहते हैं भाई रात जो है ना वो ब्लैक नाइट थी, काली रात थी बस। मैं काले को बुरा नहीं कहता क्योंकि काला रंग बहुत सुंदर होता है। हर आदमी जाओ फिर काले बाल जा नहीं चाहता। काला रंग कोई बुरा रंग नहीं होता, लेकिन रात कल की जो रात थी वो वाकई में बहुत डरावनी थी। डरावनी इस वजह से थी कि ये दिल्ली है, देश की राजधानी। ये कोई गांव नहीं है हमारा, ये देश की राजधानी है और ये जंतर मंतर है। इसकी अपनी एक पहचान है कि यहाँ अगर किसी को भी कोई समस्या है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही तो वो अपनी बात यहाँ आकर कह सकता है। लेकिन रात जो हुआ है मैं उस बात को बहुत ही निंदनीय मानता हूँ, उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। उसका कारण ये है, कोई अगर आप दूर तक भी देखो कोई बात थी नहीं भाई, सबको बताया मौसम खराब था। लेकिन अगर पुलिस ने सरकार के सारे पे तय कर लिया कि इन्हें बच्चों को, ये जो हमारी छोटी बहनें हैं भाई बहन इनको तंग ही करना है, जिसे तंग करना है वो तो सो बहाने बढ़ा ले। तत्वों की तो लड़ाई बताओ, ये तो लकड़ी के तकते तो हमारे यहाँ खूब खड़ी है। मगर सवाल ये है कि उन्हें ये नहीं दिख रहा कि वो बच्चियां हैं भाई, ये बहुत कोई पक्की जगह थोड़ी साफ सुथरी, कोई कीड़ा कंटा कुछ भी आ सकता है, नुकसान पहुंचा जा। इनके लिए लड़ रहे हैं, अगर उन्हें कुछ हो जाए फिर कौन जिम्मेदार होगा। तो कल जो अपमान हुआ है वो अपमान असहनीय है भाई। हम भारत में महिलाओं की पूजा करते हैं, बहन बेटियों की पूजा करते हैं, उन्हीं बहन बेटियों के साथ वो तो बेटियां भी, आप समझिए वो बेटियां जिनकी वजह से हमने गौरव मिल दिया, जिनकी वजह से हमारे दिल में जो ना उत्साह भरा हो कि हमारी बेटी ने हमारा अनुमान बढ़ा दिया, हमारी बहन ने हमारा मान बढ़ा दिया। उन बहनों को जिस तरह से मैं तो कह भी नहीं पा रहा, ये खड़ा है भाई बजरंग, मैं तो कह भी नहीं पा रहा, ये सही भी नहीं है जिस तरह का अपमान के साथ। ये तो किसी भी बहन बेटी के साथ होना ही नहीं चाहिए। और फिर खूब रुला रहे और खुश हो यार, यार आपके भी बच्चे हैं, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, पुलिस के प्रशासन के भाई आपके भी तो बच्चे हैं। क्या माहौल बना रहा था आपने यहाँ, कोई आ नहीं पा रहा है, मीडिया भी नहीं आ पा रहा है, जो भी आ रहा है उसे ठाके ले जा रहे हो, ऐसा कौन सा हो गया भैया। तो ये इतना डरावना था कि सब लोगों में रोष है, स्पेशली मैं तो, क्योंकि मुझे वोट डालनी थी, हमारे यहाँ चुनाव चल रहा है, अगर हम ही नहीं उसका समर्थन करेंगे तो फिर लोग कैसे देखेंगे। हमें वोट डालनी थी, आने में लेट हुई, लेकिन सच ये है अब लड़ाई अंजाम की तरफ चली गई, निर्णायक होगी। अब हमें समझ आ गया है कि अब मांगने से न्याय मिलने का नहीं। देखो बाबा साहब अम्बेडकर एक कथन कहते हैं कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दुखी होता है। यहाँ अन्याय हो रहा है, अगर आप में से एक आदमी भी कह दे कि अन्याय नहीं हो रहा है तो मैं अपनी बात को गलत मानू। यहाँ अन्याय हो रहा, सरासर हो रहा है, और अगर सब लोग इस अन्याय पर चुप रहेंगे तो बात खराब हो जाएगी, फिर हम भी दोषी हो जाएंगे। हम दोषी नहीं बन सकते, इस बार हमने तय किया है कि सरकार को गिरफ्तारी के लिए 7 दिन का समय है। कितने दिन का? 7 दिन का। इसमें वो अपने 164 के बयान करा लो पुलिस के लोग, और जो फॉर्मेलिटी करनी है सब करा लो, क्योंकि हमने देखा है यहाँ 3 दिन में कानून बढ़ जाता है यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, और फिर राष्ट्रपति जी भी उसको वो कर देते हैं। 3 दिन में कानून बढ़ जाते हैं देश के अंदर। अगर सरकार की न्याय देने की नीयत हो तो सारे काम हो सकते हैं। देखो अगर लड़ाई होती सामान्य आदमी के साथ, आप इस बात को भी समझो, तो फिर इन्हें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं। लड़ाई इतने ताकतवर लोग होते हैं जिन पर मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लग रहा है, और फिर आगे गिरफ्तारी और वो तो बहुत अलग की बात है, और फिर उन पर इतनी भी ताकत है, बताओ यहीं तक उनके समर्थन के भी लग गए वोट। इसका मतलब सत्ता के संरक्षण में सारे काम हो गए। पर मुझे ऐसा लगे भाई, जब तक हम डट के यहाँ नहीं पढ़ने के, जब तक कोई बात पढ़ने की नहीं, तो हमने अपनी तरफ से तो तय कर लिया है भाई, बजरंग यहाँ खड़ा है, हमारी बहने भी यहाँ बैठी सुनी है, इन 7 तारीख के बाद हम अपना जो है गोरी बिस्तरा यही घेर लगे। और उसके बाद जीप तक देखो भाई, कुछ चीजें राजनीति पार्टी सच के तौर पर होती है, ये लड़ाई बिल्कुल वैसी ही है। देखो याद करो, मैं आपको ये बात इससे सुना रहा हूँ, आ तो माइक नहीं है,
वरना मेरी दिली इच्छा थी ना आपको आज वो गाना सुनाता है इनका हौसला बढ़ाने का। सर जो शहीद आजम भगत सिंह ने जेल मंगाया था कि सर फरोशी की जब जेल में था ना मैंने एक बार भूख हड़ताल कर ली। अब मैंने अपने अधीक्षक को कहा मैं एक पिक्चर देखना चाहता हूँ, वो कहना है कौन सी, मैंने कहा वो दी लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अधीक्षक समझदार आदमी था, उनने कहा ना हमें तो अपना बेड़ा गर्क नहीं करवाना, तो उसे देख कर तुम और हौसला ले लोगे फिर हमारी उसमें मुसीबत करोगे। तो मैं तो आज ने वो सुनाता कि याद करो ये वो देश है जहाँ शहीदों ने क्रांतिकारियों ने अपनी जान फांसी के फंदे जो है ना वो हफ्ते से चुम्मे रोज चिल्लाए और माँ तू मैं कहा पता ये काम आपको भी तो कहा देख तू रोई है ना तो भगत सिंह की माँ है, अगर तू रोगी तो लोग कहेंगे भगत सिंह की माँ रोएगी। और अपने बापू ने भी कह दिया कि भाई बात सुनो अगर आपने उनसे मेरी माँ पिनामा मांग लिया ना तो आप भी मेरी लड़ाई में मेरे विरोधी हो जाओ क्योंकि मैं झुकना पसंद नहीं कर रहा हूँ, ये भी झुकना नहीं पसंद करे बाकी और सब चीज ठीक है। अगर लड़ाई न्याय की नहीं होती ना एफ आई आर जो भी ये भी चले जाते हैं, अगर इनको भी पता है एफ आई आर तो बहुत सारी है उनपे, एफ आई आर तो कुछ नहीं हो रहा है, न्याय जीव होगा। जीव हमने पिछली बार भी कहा था फेडरेशन के अध्यक्ष पद को छोड़ दे, उसके बाद जीव कोई स्वतंत्र एजेंसी की जांच करे और फिर तीसरी बात उनकी सबसे पहले गिरफ्तारी, ये चीजों में तो कोई भी काम नहीं हुआ। भाई बात सुनो देखो सरकार अगर न्याय के पक्ष में होती तो सरकार का भी जमीर होना चाहिए, देखो कोई भी सरकार हो इंसान वो रीढ़ की हड्डी वाला होना बहुत जरूरी है, उससे जमीर होना बहुत जरूरी है, जो आदमी को देख के बदल जा वो फिर आदमी जमीर वाला नहीं हो सकता। हम उस दिन भी इस बात पर खड़े थे शेखर जी, एक चीज बताइए मेरे को, एक मैं ये बात भी स्पष्ट कर दूं, ये जितने लोग थारे आस पास सारे थारे जी ये भी याद रखें ठीक है। ये बात हमारे यहाँ भी कहावत है कि जो दुश्मन सामने खड़ा है उससे लड़ा जा सकता है लेकिन जो पीठ पीछे खड़ा है उससे नहीं लड़ा जा सकता। ये जो भीतरघात है जो घर का वेदी लंकट है वो काम बड़ा खतरनाक है, आपके जो आस पास लोग बैठे हैं ना ये जो उल्टे से सवाल पूछ करते हैं, मैं एक ऐसे आदमी हूँ, मैं पिछली बार आया था आपने मैंने पता क्या कहा था, यहाँ जितने लोग बैठे मैं पार्टी और सबको कहा था पार्टी बाहर छोड़ गई अपना झंडा वंडा सब बाहर छोड़ गई, यहाँ योग तब इनकी मदद करने को आयो। फिर भी अगर उस तरह की चीज जहाँ उसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग उनके ही बैठे हैं जो उल्टी सी बात छोड़ते रहेंगे, भाई कुछ ही कह लो बात सुनो पिछली भी जीते थे यहाँ भी जीतेंगे अपनो, मुगल भी थे अंग्रेज भी थे सारे थे, जब हम उनते नहीं हारे तो इन तक इतर हार जाएंगे। एक और बात सुनो गुलामी जो है ना हमारे यहाँ है गुलामी की बेड़ियां काटने की बात हम बार बार करते हैं, गुलामी सिर्फ मानसिक नहीं होती शारीरिक नहीं होती मानसिक भी होती है, भाई यहाँ थे अंग्रेज अध्यक्ष तो थे और सब पर राज कर रहे थे कितने लोग थे भाई बाहर तो ज्यादा तो नहीं थे लेकिन गुलाम कितने लोग थे देखो आप, बहुत बड़ी आबादी जो चाहती ना एक चाटे में भगा देती उन्हें लेकिन वो सब गुलाम बनकर बैठे थे क्योंकि एकता नहीं थी और ना लड़ना चाह रहे थे। जब इन्होंने लड़ने का झंडा खा लिया हम इनकी गेल हैं, जो मुसीबत आओगी हम उसे बराबर की झेलेंगे। देखो शुरुआत हो गई है पंचायतें शुरू हो गई है, कल की जो पीड़ा है वो ऐसा नहीं है, अगर इनमें जरा सी इंसानियत होती है खुद ही कहते कि बहन बेटियों अपनी व्यवस्था ऐसी कर लो कि खारा भी मान बचो जा, क्यों भाई ये सिर्फ किसी एक जाति धर्म की बहन बेटी है, इनकी जी बहन बेटियां लगती भाई देश की ठीक है भाई देश की तो जी वो जी भी मैडल लाव है ये भी तो हक मांग रही फिर देश की क्यों है, ये तो हरियाणा की है ये तो ये जाति के नाम पे है फिर तो। देखो बात सुनो ये लड़ाई को भटकाओ जाएंगे भटकानी है ही नहीं बिल्कुल भी, इसलिए नहीं भटकानी सोचो इनके पीछे तो सपोर्ट भी है इनके लोग इनकी पहचान भी है, इन्होंने खुद भी गौरवान्वित फील कर लिए खुद भी मजबूत हैं, रात हमने देखा सेने को लड़ रही थी आंसू को छोड़ दो तब आंसू तो जी बात भाव को जाना उम्मीद हो जा ही जाए अन्य तो लड़ तो रही थी बताओ लड़ रही थी नहीं लड़ रही थी, मगर सोचो सामान्य बहनों के साथ क्या होता होगा बताओ ताकतवर लोग देखो सोच के देखो फिर आप सोचो सही जब यहाँ दिल्ली की सरजमी पे पुलिस इस तरह से होगी जहाँ मीडिया भी देख रही है मीडिया भी नहीं कह रही भाई ये क्या कर रहे हो, आप सोचो गाँव देहात बस्ती में क्या कहना पड़ता होगा भाई, ये नाश के पीछे लग रहे हैं नाश मोड़ नहीं देना, देश तो अपना है ना भाई इनका थोड़ा ही है इनका नहीं है, ये तो सत्ता में आज बैठे चले जाएंगे ठीक है, इसलिए आपसे भी मेरा कहना है पूरी मजबूती से लड़ो, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ भाई 7 दिन के बाद
मैं जो कहता हूँ तो उतना जितना पहले कहता हूँ उतना हूँ जितना पूरा पाड़ सकूँ, और जब कहता हूँ तो फिर पूरा पाड़ता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार को सात दिन के बाद हम अगर जिक्र आप यहाँ पड़े हो आप जमीन पर उठोगे तो हम जमीन पर उठोगे, हम ताकत भी नहीं चाहते, ये ताकत भी मारे वाला ताकत भी ये पुलिस के लोग ही सोचे ये भी तुम्हारे भाई है ठीक है, हम जमीन पे सोएंगे लेकिन हम यहाँ से न्याय लेकर उठेंगे। ये क्रांति है, क्रांति की बिल्कुल पता नहीं कहाँ था बच्चा हमारे पहले कहना मैं अकेला ही चला था मंजिले जाने और लोग मिलते गए काफिला बनता गया, जब भी आए थे तो थोड़े से तो थे पहलवान पहलवान, इब देखो ये जितने लोग यहाँ बैठे एक आदमी 10-20 के आदमी को ला सकता है। अब आप चिंता मत करो बस आप फेटे रहो। हेलो जेकर आपको उस दिक्कत में जाके दो चार वो कौन कौन से दाव मार दो तो वगैरह आप उसी में रहो अपने दाव में, बाकी तो सब लोग तैयार है। सुनो देखो ये लड़ाई सरकार की नहीं है ना, लड़ाई है विपक्ष की, लड़ाई है न्याय की। अगर आज इन बहन बेटियों को न्याय नहीं मिला तो कल किसी बहन बेटी को उम्मीद नहीं न्याय मिला ठीक है नहीं, तो न्याय मांगने से नहीं मिलेगा भाई, हम तो जानते हैं इस बात, छीनना पड़ेगा, न्याय के लिए लड़ना पड़ता है और जबाड़े में हाथ देकर छीनना पड़ता है, जिनमें दम हो वो छीन लेते हैं। हम कट्ठे होकर आपकी जेल है, जेल भरो आंदोलन करेंगे जी, जेल तो छोटा है ये जिस आंदोलन पर गिर जाओ वो ही करेंगे, लेकिन याद है उठेंगे इसके बाद 7 दिन बाद जी भी। ये मेरे भाई मीडिया के जरिए मेरा कहना है हमारे बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री से भाई हाथ जोड़कर निवेदन है यार कितना तो यार बताओ हद हो किसी चीज की, अगर आप वोट के लिए इतना गिर जाओगे कि एक आदमी को जो अपराधी है इस पर इतना सब कुछ तय हो गया उसको भी नहीं हटा सकते तो फिर आपका कौन सा जमीन है, किस मुंह तक होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सुनो भाई आखिरी बार फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, मीडिया के लोग कह रहे आवाज नहीं आ रही, 7 दिन सरकार के सुनो आवाज इतनी जोर की है जाओगी जेडीयू के दफ्तर तक पहुंचे, 7 दिन सरकार के और 8वें दिन यहाँ घुंटा, 8वें दिन हम यही बैठेंगे और 7 कारण है। आप अपनी बात कहने की बात का मौका देखो मैं अपना पत्र लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का अधिकार है अधिकार है, मगर मैं जी ये वही है जो बोल रहा है ना अगर हम कोई आंदोलन में जोड़ लगा बैठे ना एक दिन में अगर कुछ हो जाएगा तो हमें तो पता है आंदोलन कर एक दिन में सरकार और हम आपको जिम्मेदार से कह रहे हैं हमारी ये भूमिका नहीं रही हो आप मेरी बात को मैं कह रहा हूँ अगर 5 दिन में सरकार की जमीन ना सरकारी जमीन करियो आप जाओ 15 साल दिए मेहनत हमें तैयार करने में, हम पे बड़ा संगठन है, हमने सरकार को अपनी ताकत में ले ली, हर लड़ाई का बोलते हैं हम तो न्याय मांग रहे हैं ठीक है, उनके लिए न्याय मांग रहे हैं जिनके लिए हम जिनकी वजह से गोरखा भी महसूस करा, हमने तो हाथरस से नाम सब देखा अगर आपने देखा हो ना हाथरस आप सब जगह देखा हो जैसे कचरा जलाते हैं ना ऐसे जड़ा, हमने तो अपनी बहनों के हाथों को लाशों को हाथ में ठहरका तो जानते हैं कि सरकार जब तौने से बचा आप बात छोड़ो, अजय कुमार सैनी जिनके मंत्री हैं किसानों पे गाड़ी चढ़ाई सारे देश में देखा है ना, ये आगे स्टीफन उन्होंने एक तो निष्ठा हो ये उससे भी ज्यादा तड़ चले जहाँ जी इनकी बात आ गई, इनसे कोई उम्मीद नहीं कर जा सकती, हमें लड़ना पड़ेगा भाई ये याद रख लो, अगर आपको लगता है सिर्फ यहाँ बैठने काम चलेगा चलने का नहीं, हमें वही करना पड़ेगा जो हमने पिछली बार कहा था, हम इन 7 दिन में जिस मारो मार रहे हैं वापिस करो खोपड़ी तो ये शांत रहो ना थोड़ा यार, बैठेंगे तो हमारे लोग वहाँ बैठेंगे तहसील लोग है ब्लॉक पे जिले के दफ्तर पे वो उनकी नाक में दम करेंगे, इनको वहाँ बैठे हैं लोग थोड़े बैठेंगे हम यहाँ पे उसमें भी सीख पा रहे हैं, हम इलाज करने को बैठेंगे और पूरा ही बैठेंगे क्योंकि हमारे पे करना है भाई ऐसा बताओ ये बैठे सीधे लोग पंचर भूमि में तो खुल नहीं बैठते आप लोग है, इसे सरकार ने कह दिया तो रद्दी है उसका भी तो सीना चीर के हम लोग फसल उगाते नहीं उगाते हैं फिर तो ये तो कुछ भी बंजर नहीं सब हो जाएगा ठीक, बस ये जो बहन है उनके लिए
दुख इस बात का है कि कल उन्हें बहुत अपमान झेलना पड़ा, और क्योंकि हम लोग लड़ नहीं सकते किसी से, इस वजह से हम लोग पुलिस के साथ साथ भी लड़ सकते, इसलिए अपने विरोध को पीछे से ही कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। दोबारा सुन के यादव को हमारे लोग भी सुन लो, बीमार भी गए, सात दिन नहीं गए, तारीख नहीं, सात दिन और आठवें दिन यही मिलेंगे, जोर लगा। माइक तो है नहीं, बिना माइक के सुनना पड़ेगा, और बिना माइक के तभी सुना जा सके जब आप लोग पक्के हो जाओगे, आप चुप हो जाओगे तब तक आवाज जाओगी, प्रशासन तक भी, शासन तक भी, सब लोगों तक आप बोलने लग जाओगे। ठीक है, तो आपसे बस इतना निवेदन है कि आप साइलेंट हो जाओ और पांच मिनट की बहुत जरूरी बात आपको बतानी है। कल रात का तो आपने सब कुछ देख लिया, कल क्या हुआ है। देखो हमारे यहाँ क्या है ना, जैसे दूसरे लोग अपनी अपनी सलाह है, अपने अपने सुझाव, वो कहते हैं भाई रात जो है ना वो ब्लैक नाइट थी, काली रात थी, बस मैं काले को बुरा नहीं कहता क्योंकि काला रंग बहुत सुंदर होता है, हर आदमी चाहते काले बाल, जा नहीं जाता, काला रंग कोई बुरा रंग नहीं होता, लेकिन रात कल की जो रात थी वो वाकई में बहुत डरावनी थी। डरावनी इस वजह से थी कि ये दिल्ली है देश की राजधानी, ये कोई गाँव नहीं है हमारा, ये देश की राजधानी है और ये जंतर मंतर है, इसकी अपनी एक पहचान है। यहाँ अगर किसी को भी कोई समस्या है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही तो वो अपनी बात यहाँ आकर कह सकता है, लेकिन रात जो हुआ है मैं उस बात को बहुत ही निंदनीय मानता हूँ और उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। उसका कारण ये है, कोई अगर आप दूर तक भी देखो कोई बात थी नहीं, भाई सबको पता है मौसम खराब था, लेकिन अगर पुलिस ने सरकार के सहारे पर तय कर लिया कि इन्हें बच्चों को, ये जो हमारी छोटी बहनें हैं, भाई बहन, इनको तंग ही करना है, जिसे तंग करना है वो तो सो मारने बना ले, तख्तों की तो लड़ाई बता रहे हैं, तख्तों की लड़ाई है, ये तो लकड़ी के तख्ते तो हमारे यहाँ खूब खड़ी हैं, मगर सवाल ये है कि उन्हें ये नहीं दिख रहा कि वो बच्चियाँ हैं, भाई ये बहुत कोई पक्की जगह थोड़ी साफ सुथरी, कोई कीड़ा कांटा कुछ भी आ सकता है, नुकसान पहुँचा जा, इनके लिए लड़ रहे हैं, अगर उन्हें कुछ हो जाए फिर कौन जिम्मेदार होगा। तो कल जो अपमान हुआ है वो अपमान असहनीय है, भाई हम भारत में महिलाओं की पूजा करते हैं, बहन बेटियों की पूजा करते हैं, उन्हीं बहन बेटियों के साथ, वो तो बेटियां भी आप समझिए, वो बेटियां जिनकी वजह से हमने गौरव फील किया, जिनकी वजह से हमारे दिल में जो ना उत्साह भरा हो कि हमारी बेटी ने हमारा मान बढ़ा दिया, हमारी बहन ने हमारा मान बढ़ा दिया, उन बहनों को जिस तरह से मैं तो कह भी नहीं पा रहा, ये खड़ा है भाई बजरंग, मैं तो कह भी नहीं पा रहा, ये सही भी नहीं है, जिस तरह का अपमान ये तो किसी भी बहन बेटी के साथ होना ही नहीं चाहिए, और फिर खूब रुला रहे और खुश हो यार आपके भी बच्चे हैं, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, पुलिस के प्रशासन के भाई आपके भी तो बच्चे हैं, क्या माहौल बना रहा था आपने, यहाँ कोई आ नहीं पा रहा है, मीडिया भी नहीं आ पा रहा है, जो भी आ रहा है उसे ठाकर ले जा रहे हो, ऐसा कौन सा हो गया भैया। तो ये इतना डरावना था कि सब लोगों में रोष है, स्पेशली मैं तो क्योंकि मुझे वोट डालनी थी, हमारे यहाँ चुनाव चल रहा है, अगर हम ही नहीं उसका समर्थन करेंगे तो फिर लोग कैसे देखेंगे, हमें वोट डालने से आने में लेट हुई, लेकिन सच ये है अब लड़ाई अंजाम की तरफ चली गई, निर्णायक होगी, अब हमें समझ आ गया है कि अब मांग रहे हैं न्याय मिलने का नहीं। देखो बाबा साहब अम्बेडकर एक कथन कहते हैं कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दुखी होता है, यहाँ अन्याय हो रहा है, अगर आप में से एक आदमी भी कह दे कि अन्याय नहीं हो रहा है तो मैं अपनी बात को गलत मानूंगा, यहाँ अन्याय हो रहा सरासर हो रहा है, और अगर सब लोग इस अन्याय पर चुप रहेंगे तो बात खराब हो जाएगी, फिर हम भी दोषी हो जाएंगे, हम दोषी नहीं बन सकते। इस मारा हमने तय किया है कि सरकार को गिरफ्तारी के लिए सात दिन का समय है, कितने दिन का, सात दिन का, इसमें वो अपने सोच के बयान करा लो पुलिस के लोग, और जो फॉर्मेलिटी करनी है सब करा लो, क्योंकि हमने देखा है यहाँ तीन दिन में कानून बन जाता है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, और फिर राष्ट्रपति जी भी उसको वो कर देते हैं, तीन दिन में कानून बन जाते हैं देश के अंदर। अगर सरकार की न्याय देने की नीयत हो तो सारे काम हो सकते हैं। देखो अगर लड़ाई होती सामान्य आदमी के साथ, आप इस बात को भी समझो, तो फिर इन्हें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं, लड़ाई इतने ताकतवर लोग होते हैं जिन पर मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लग रहा है, और फिर आगे गिरफ्तारी और वो तो बहुत अलग की बात है, और फिर उन पर इतनी भी ताकत है, बताओ यहीं तक उनके समर्थन के भी लग गए वोट, इसका मतलब सत्ता के संरक्षण में सारे काम हो रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगे भाई जब तक हम डट के यहाँ नहीं पढ़ने के, जब तक कोई बात पढ़ने के लिए, तो हमने अपनी तरफ से तो इतना कर लिया है भाई,
बजरंग यहाँ खड़ा है, हमारी बहनें भी यहाँ बैठी सुन रही है। इन 7 तारीख के बाद हम अपना जो है गोरी बिस्तरा यही घेर लगे। और उसके बाद जीप तक देखो भाई, कुछ चीजें राजनीति पार्टी सब चीजों तक पर होती है, ये लड़ाई बिल्कुल वैसी ही है। देखो याद करो, मैं आपको ये बात सुना रहा हूँ, तो माइक नहीं है और ना मेरी दिल इच्छा थी ना आपको आज वो गाना सुनाता है, इनका हौसला बढ़ाने का तर जो शहीद आजम भगत सिंह ने जेल में गाया था कि सर फरोशी की और वक्त आने दे हम इसे क्या बता दे क्या मैं जब जेल में था ना, मैंने एक बार भूख हड़ताल कर दी। अब मैंने अपने अधीक्षक को कहा मैं एक पिक्चर देखना चाहता हूँ, वो कहना है कौन सी, मैंने कहा वो दी लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अधीक्षक समझदार आदमी था, उन्होंने कहा ना हमें तो अपना बेड़ा गर्क नहीं करवाना, तो जो उसे देख कर तुम और हौसला ले लोगे फिर हमारी कोई मुसीबत करोगे। मैं तो आज ने वो सुनाता कि याद करो ये वो देश है जहाँ शहीदों ने क्रांतिकारियों ने अपनी जान फांसी के फंदे जो है ना वो हटके थे, तुम्हें रोए चिल्लाए और माँ तुम्हें कहा पता ये काम आप भी देख ना, तो भगत सिंह की माँ है, अगर तू रोगी तो लोग कहेंगे भगत सिंह की माँ रोगी। और अपने बापू ने भी कह दिया कि भाई बात सुनो, अगर आपने उनसे मेरी माफी नामा मांग लिया ना तो आप भी मेरी लड़ाई में मेरे विरोधी हो जाओ, क्योंकि मैं झुकना पसंद नहीं कर रहा हूँ, ये भी झुकना नहीं पसंद करे, बाकी और सब चीज ठीक है। अगर लड़ाई न्याय की नहीं होती ना FIR दर्ज होगी, ये भी चले जाते हैं। अगर इनको भी पता है FIR तो बहुत सारी है, उनको FIR तो कुछ नहीं हो रहा है, न्याय जीव होगा। जीव हमने पिछली बार भी कहा था फेडरेशन के अध्यक्ष पद को छोड़ दे, उसके बाद जीव कोई स्वतंत्र एजेंसी की जांच करे, और फिर तीसरी बात उनकी सबसे पहले गिरफ्तारी। ये तीनों में तो कोई भी काम नहीं हुआ। भाई बात सुनो, देखो सरकार अगर न्याय के पक्ष में होती तो सरकार का भी जमीन होना चाहिए। देखो कोई भी सरकार हो या इंसान, वो रीढ़ की हड्डी वाला होना बहुत जरूरी है, उसका जमीन होना बहुत जरूरी है। जो आदमी को देख के बदल जा वो फिर आदमी जमीन वाला नहीं हो सकता। हम उस दिन भी इस बात पर खड़े थे। शेखर जी एक चीज बताइए मेरे को, एक मिनट मैं ये बात भी स्पष्ट कर दूं, ये जितने लोग थारे आस पास सारे थारे जी ये भी याद रखें, ठीक है। ये बात हमारे यहाँ की कहावत है कि जो दुश्मन सामने खड़ा है उस तो लड़ा जा सकता है, लेकिन जो पीठ पीछे खड़ा है उस तो नहीं लड़ा जा सकता। ये तो भीतर घात है, जो घर का मेदी लंका डा वो काम बड़ा खतरनाक है। आपके जो आस पास लोग बैठे हैं ना, ये जो उल्टे से सवाल पूछ करते हैं, मैं एक ऐसे आदमी हूँ, मैं पिछली बार आया था आपने, मैंने पता ये कहा था यहाँ जितने लोग बैठेंगे मैं पार्टी और सबको कहा था कि पार्टी बाहर छोड़ गई, अपना झंडा वंडा सब बाहर छोड़ गए, यहाँ आइयो तब इनकी मदद करने को आयो। फिर भी अगर उस तरह की चीजें हो तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग उनके ही बैठे हैं जो उल्टी बात छोड़ते रहे। भाई कुछ ही कह लो, बात सुनो, पिछली भी जीते थे यहाँ भी जीतेंगे। अपनो मुगल भी थे अंग्रेज भी थे सारे थे, जब हम उनते नहीं हारे तो इन तक हार जाएंगे। एक और बात सुनो, गुलामी जो है ना हमारे यहाँ है, गुलामी की बेड़ियां काटने की बात हम बार बार करते हैं। गुलामी सिर्फ मानसिक नहीं होती, शारीरिक नहीं होती, मानसिक भी होती है। भाई यहाँ थे अंग्रेज अध्यक्ष तो थे और सब पर राज कर रहे थे, इतने तो थे भाई, भारत ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन गुलाम कितने लोग थे देखो आप, बहुत बड़ी आबादी जो चाहती ना एक चाटे में भगा देती उन्हें, लेकिन वो सब गुलाम बनकर बैठे थे क्योंकि एकता नहीं थी और ना लड़ना चाह रहे थे। जब इन्होंने लड़ने का झंडा ठा लिया हम इनकी गेल हैं, जो मुसीबत आओगी हम उसे बराबर की झेलेंगे। देखो शुरुआत हो गई है, पंचायतें शुरू हो गई है, कल की जो पीड़ा है वो ऐसा नहीं, अगर इनमें जरा सी इंसानियत होती है, खुद ही कहते कि बहन बेटियों अपनी व्यवस्था ऐसे कर लो कि खारा विमान बचो जा, क्यों भाई ये सिर्फ किसी एक जाति धर्म की बहन बेटी है, इनकी जी बहन बेटियां लगती भाई देश की, ठीक है भाई देश की, तो जी वो जी भी मेडल लावे, ये भी तो हक मांग रही, फिर देश की क्यों है, फिर तो हरियाणा की है, फिर तो ये जाति के नाम पे है। फिर तो देखो बात सुनो, ये लड़ाई को भटकाओ जाएंगे, भटकानी है ही नहीं बिल्कुल भी, इसलिए नहीं भटकानी, सोचो इनके पीछे तो सपोर्ट भी है, इनके लोग इनकी पहचान भी है, इन्होंने खुद भी गौरवान्वित फील करा, ये खुद भी मजबूत हैं। रात हमने देखा सेंट तो लड़ रही थी, आंसू आंसू को छोड़ दो तुम, आंसू तो जी आदमी भाव को जाना उम्मीद हो जाए जा। अन्य तो लड़ तो रही थी, बताओ लड़ रही थी नहीं लड़ रही थी, मगर सोचो सामान्य बहनों के साथ क्या होता होगा, बताओ ताकतवर लोग फिर सोचो सही, जब यहाँ दिल्ली की सरजमीन पे
पुलिस इस तरह से होगी या मीडिया भी देख रही है, मीडिया भी नहीं कह रही भाई ये क्या कर रहे हो आप, सोचो गांव देहात बस्ती में क्या नहीं सहना पड़ता होगा भाई। ये नाश के पीछे लग रहे हैं, नाश मोड़ नहीं देना, आप देश तो अपना है ना भाई, इनका थोड़ा ही है, इनका नहीं है, ये तो सत्ता में आज बैठे चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपसे भी मेरा कहना है पूरी मजबूती से लड़ो, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ भाई 7 दिन के बाद मैं जो कहता हूँ तो उतना जितना पहले कहता हूँ उतना हूँ, जितना पूरा पाड़ सकूँ, और जब कहता हूँ तो फिर पूरा पाड़ तो चाहे कुछ भी हो जाता है। 7 दिन के बाद हम अगर जिक्र आप यहाँ पड़े हो, आप जमीन पर लुटोगे तो हम जमीन पर लुटोगे, हम ताकत भी नहीं चाहते, ये ताकत भी मारे वाला ताकत भी, ये पुलिस के लोग ही सोचे ये भी तुम्हारे भाई है, ठीक है, हम जमीन पे सोएंगे लेकिन हम यहाँ से न्याय लेकर उठेंगे। बस ये ये क्रांति है, क्रांति की बिगुल पता नहीं कहाँ था बच्चा, समझे हो, पहले कहना मैं अकेला ही चलाता मंजिल जाने और लोग मिलते गए, काफिला बनता गया, भी आए थे तो थोड़े से तो थे पहलवान पहलवान, ये देखो ये जितने लोग यहाँ बैठे एक आदमी 10-20 के साथ में बुला सकता है, अब आप चिंता मत करो, बस आप ठेटे रहो। हेलो, जेकर आपको उस टिकट में जाकर 2-4 वो कौन कौन से दाव मार दो आप उसी में रहो अपने दाव में, बाकी तो सब लोग तैयार है। देखो ये लड़ाई सरकार की नहीं है ना, लड़ाई है विपक्ष की, लड़ाई है न्याय की, अगर आज इन बहन बेटियों को न्याय नहीं मिला तो कल किसी बहन बेटी को उम्मीद नहीं होगी न्याय मिला, ठीक है, नहीं तो न्याय मांगने से नहीं मिलेगा भाई, हम तो जानते हैं इस बात, छीनना पड़ेगा, न्याय के लिए लड़ना पड़ता है और जबाड़े में हाथ देकर छीनना पड़ता है, जिनमें दम हो वो छीन लेते हैं, हम कट्ठे होकर आपकी जेल है, जेल भरो आंदोलन करेंगे जी, जेल भरो आंदोलन, बात सुनो जेल तो छोटा है, ये जिस आंदोलन पर गिर जाओ वो ही करेंगे, लेकिन याद है उठेंगे इसके बाद 7 दिन बाद जी भी, ये मेरे भाई मीडिया के जरिए मेरा कहना है, हमारे बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री थे भाई, हाथ जोड़ कर निवेदन है यार, कितना तो यार हद हो किसी चीज की, अगर आप वोट के लिए इतना गिर जाओगे कि एक आदमी को जो अपराधी है इस पे इतना सब कुछ तय हो गया उसको भी नहीं हटा सकते तो फिर आपका कौन सा जमीन है, किस मुंह तक होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सुनो भाई आखिरी बार फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, मीडिया के लोग कह रहे आवाज नहीं आ रही, 7 दिन सरकार के, सुनो आवाज इतनी जोर की है जाओगी जेडीयू के दफ्तर तक, 7 दिन सरकार के और 8वें दिन यहाँ घुंटा, 8वें दिन हम यही बैठेंगे, और 7 कारण है, आप अपनी बात कहने की बात का मौका होगा, देखो मैं अपना पत्र लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का आजादी का अधिकार है, मगर बहन जी ये वही है जो अगर हमको आंदोलन में जोड़ लगाकर बैठे बना ना, एक दिन में अगर कुछ हो जाएगा तो हमें तो पता है आंदोलन कर रहे एक दिन में सरकार हम आपको जिम्मेदार तक कह रहे हैं, हमारी ये पूछा नहीं कर रही हो आप मेरी बात को, मैं कह रहा हूँ अगर 5 दिन में सरकार की जमीन ना सरकारी जिम्मे हो आप उनके लिए न्याय मांग रहे हैं जिनके लिए हमने तो हाथरस अगर आपने देखा हो ना हाथरस आप सब जगह देखा हो जैसे कचरा जलाते हैं ना ऐसे जला, हमने तो अपनी बहनों के हम तो लाशों को हाथ में ठहरका तो जानते हैं कि सरकार जब तो बादशाह बात छोड़ो, अजय कुमार सैनी जिनके मंत्री हैं किसानों पे गाड़ी चढ़ाई सारे देश में देखा है ना, ये आगे स्टीफन उन्होंने एक तो निष्ठा हो ये उससे भी ज्यादा तरह चले जहाँ जी इनकी बात आ गई, इनसे कोई उम्मीद नहीं कर जा सकती, हमें लड़ना पड़ेगा भाई ये याद रख लो, अगर आपको लगता है सिर्फ यहाँ बैठने काम चलेगा चलने का नहीं, हमें वही करना पड़ेगा जो हमने पिछली बार कहा था, हम इन 7 दिन में जिस मारो मार रहे हैं वहाँ भी दूरों खोपड़ी तो हमें ये शांत रहो ना थोड़ा यार, बैठेंगे तो हमारे लोग वहाँ बैठेंगे तहसीलों पे जिलों पे जिले के दफ्तर पे, वो उनकी नाक में दम करेंगे, इनको वहाँ बैठे हैं
दवाई बैठेंगे हम याद रहते हैं आप उसमें भी सीख पा रहे हैं। हम इलाज करने को बैठेंगे और पूरा ही बैठेंगे क्योंकि मार पकड़ नाम है भाई। ऐसा बताओ ये बैठे सुने लोग पंचर भूमि में तो फसल नहीं बात है क्या आप लोग है? जिसे सरकार ने कह दिया जरूरत दी है उसका भी तो सीना चीर के हम लोग फसल उगाते नहीं उगाते हैं फिर तो ये तो कुछ भी बंजर नहीं सब हो जाएगा ठीक। बस वे जो बहने हैं उनके लिए दुख इस बात का है कि कल उन्हें बहुत अपमान झेलना पड़ा और क्योंकि हम लोग लड़ नहीं सकते किसी से इस वजह से हम लोग पुलिस के साथ साथ भी लड़ सकते इसलिए अपने विरोध को पीछे से कर रहे हैं ठीक है। जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी दोबारा सुन के याद रखो हमारे लोग भी सुन लो बीमार भी गए सात दिन तारीख नहीं 7 दिन और 8वें दिन यही मिलेंगे जोर लगा।